अगर आप हाईवे पे कहीं जा रहे हैं और रास्ते में रुक के गाड़ी में पेट्रोल भरवाना चाहते हैं तो जरा संभल जाइए, हो सकता है कि गाड़ी में पेट्रोल जाए ही ना और आपसे पैसा पूरा ले लिया जाए। बुंदेलखंड में एनडीटीवी की टीम ने जब एक पंप पर जाकर तेल डलवाया तो पता चला कि टंकी की सीमा से ज्यादा पेट्रोल उसमें जा चुका था और उसके बाद भी मीटर चल रहा था। 70 लीटर का टैंक है, हमारे आरसी में लिखा हुआ है, हम आरसी की कॉपी आपको दिखाएंगे। 71 लीटर तेल कैसे चला गया उसमें, पहले ये समझाइए। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा हुआ है, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। मेरी एक बात मानोगे ना मुझे, अगर मैं आपको अपनी रीडिंग दिखाऊंगा तो 71 लीटर तेल आपके यहाँ गया हुआ है। आपने अभी हमने जब देखा उसके बाद इन्होंने उसको जीरो कर दिया। जीरो क्यों किया? क्योंकि ये जानते हैं कि हम अब कैमरा पे दिखाएंगे, इनको मालूम नहीं था कि हमने कैमरा में रिकॉर्ड किया है। और जब आप तेल डाल रहे थे उस वक्त का वीडियो भी मेरे पास है, तो आप चाहते हो मैं वीडियो आपको दोबारा दिखाऊं? सर सुनो, आप सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे। देखो मैं फिर एक बात बताइए, जो गाड़ी में 15 लीटर तेल पहले से है उसकी हमारे पास रीडिंग है, जिस गाड़ी का आरसी जो है वो 70 लीटर बता रहा है उसमें 55 लीटर से ज्यादा तेल कैसे गया? एक सेकंड सुनो, तो आप चिल्ला रहे हो। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। आपको फिर नॉज उठा के दिखा दूंगा, कोई फॉल्ट नहीं है बिल्कुल। जब टीटी खलती है तो उसकी एयर बनती है, एयर में 15 लीटर का खर्चा कौन देगा? 15 लीटर का खर्चा कौन देगा सर? 1 या 2 लीटर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता 1 या 2 लीटर। जब मैं बोल रहा हूँ आपको 15 लीटर आपने तेल का एक्स्ट्रा लिया है, और अगर हम नहीं रोकते तो ये 80 लीटर तक जाता। कैसे कैसे हो जाएगा सर? कैसे हो जाएगा? क्या चल रहा था उसके बाद भी वो रिकॉर्ड किया हुआ है हमने। इसमें क्या हुआ अंकल? हाँ इसमें क्या हुआ? अरे वो अरे तेल का यहाँ पर मीटर चल रहा है, बाहर निकाला नॉजल से तेल आ नहीं रहा है, 70 लीटर के टैंक में भी 70। आप मुझे बताइए, उठा करके फिर दिखा सकता हूँ आपको। आपने उसका फोटो ले लिया ना? मुझे भी दिखाएं, पर आप मुझे ये बताइए कि मेरे को 55 लीटर की जगह 70 लीटर कैसे गया? मेरी बात एक बार और सहमत तो हो लो, थोड़ा सा एक बार और देख लो आप। नहीं उस, आपने फोटो ले लिया डिस्प्ले का, ठीक है हाँ। इसमें कोई गड़बड़ नहीं, उसे नोजल को उठाऊंगा फिर एयर बनाएगा वो। नहीं तो एयर बनाएगा तो मेरी तो गाड़ी में तेल का खर्चा बढ़ गया ना। आप बिल तो करेंगे ना उतने का? उतने का बिल करोगे नहीं करोगे? आप कहोगे नोजल हवा गई है, हवा का पैसा भी लोगे? आप मान रहे हैं कि वो एयर बना रहा है? हाँ सर एयर बनाता है, गाड़ी खलते समय। तो आप ये भी मान रहे हो कि मेरी जेब से पैसा जा रहा है? सर 15 लीटर नहीं है सर, 15 लीटर है भाई साहब, क्योंकि मेरी गाड़ी में 15 लीटर तेल था और उसके बाद आप लोगों ने 55 को 70 बनाया है। कैसे बन जाएगा सर? मुझे क्या, हम दिन रात चलते हैं, हमें आपसे हम नोट बनाने आएंगे हम यहाँ पर? आप बताइए, मैंने इसको आपके सामने करके दिखाया है और इन लोगों ने 70 लीटर के टैंक में 71 लीटर तो साफ तौर पर हमारे पर रिकॉर्डिंग है उसकी हमने दिखाया है, और जब हमने इनसे कहा बताने के लिए तो इन्होंने उठा के नोजल को जीरो किया मना करने के बाद भी, ठीक है? तो अब अभी समझाएंगे हमें कि कैसे इन्होंने 70 लीटर के उसमें 71 लीटर तेल गया। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से इन पेट्रोल पंपों में मीटर गलत तरीके से चलते हैं। जब सवाल पूछा गया मैनेजर साहब से तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो बस इतना बोले कि हमारे पेट पर लात मत मारो। आपका इस पर क्या कहना, क्योंकि सर हमें समझ में, अब इसको क्षमा करिए, खत्म करिए बात को, हमने आपकी बात मान ली। नहीं मान ली वाली बात नहीं, पेट पे लात माननी है तो आपको सब पेट पे आपके लात, मेरे को आपसे पूरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो बस मैंने गलती ये है कि गाड़ी खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी खेलते समय 2 रुपए का जो एयर मर जाती है वो दिक्कत है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप कभी अगली बार फिर आइए, अगर फिर आइए आप, और फिर आपको गलती मिले तो मुझे बता दीजिए।